जो वीडियो ने मुझे फर्स्ट 20K व्यूज दिलवाई वेलकम बैक टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्पीति वैली टूर ऑफ माई चैनल। आज मैं जा रहा हूँ हावड़ा स्टेशन से नेताजी एक्सप्रेस पे टू हिमाचल प्रदेश। बेसिकली हम लोग स्पीति वैली जाएंगे, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट करेंगे रामपुर से, उसके बाद जाएंगे टाबो, उसके बाद काजा। काजा में 3 दिन का स्टे है और HPTDC जो होटल है, गवर्नमेंट होटल, उस पर हम लोग स्टे करेंगे। उसके बाद जाएंगे नाको विलेज, उसके बाद जाएंगे मड विलेज और पिन वैली आप बोल सकते हो। उसके बाद मैं जाऊंगा सराहान पे। तो इस एपिसोड में बने रहिए मेरे साथ टू हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली की मॉनेस्ट्री। नेताजी एक्सप्रेस जो पहले कालका मेल के नाम से जाना जाता था, वो अभी हावड़ा स्टेशन से खुलती है रात को 9:55 में। ये हावड़ा स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 9 है, इसी प्लेटफॉर्म में आने वाली है नेताजी एक्सप्रेस और कालका मेल। हावड़ा स्टेशन अभी 2022 में बहुत चेंज हो चुकी है। आप यहाँ पे आके डिजिटल डिस्प्ले देख सकते हो, जो आगे की रिजर्वेशन चार्ट थी पेपर चार्ट वो अभी नहीं है, कंप्लीट न्यू डिजिटल चार्ट आप हावड़ा स्टेशन में देख सकते हो। यहाँ पे बहुत मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, बहुत चेंजेस हो चुका है। लॉकडाउन के चलते इंडियन रेलवे ने अब बेड रोल देना, लिनन सर्विस सब कुछ बंद रखा था, तो आज मुझे देखना है कि इंडियन रेलवे ने फिर से वो सर्विस चालू किया कि नहीं। तो चलिए चलते हैं AC 2 टायर के अंदर। ये अपना AC 2 टायर कोच है एंड ऊपर अपर बर्थ में रखा था बेड रोल जो फैसिलिटीज़ है, दे हैव स्टार्टेड द फैसिलिटीज़। एंड यहाँ पे पेपर बैग में रखा है टॉवल्स वगैरह, अच्छा है, देख के तो अच्छा ही लग रहा है। तो ये AC 2 टायर का बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको सभी को पता ही होगा जो AC 2 टायर से ट्रेवल करते हो। तो अभी साइड अपर में थोड़ा कर्टन्स वगैरह भी लगाया है प्राइवेसी के लिए। बिल्कुल राइट टाइम में हावड़ा स्टेशन से ट्रेन खुली है एंड हम लोग अभी हावड़ा स्टेशन से बाहर ही जा रहे हैं, ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं स्पीति वैली के लिए। बाय बाय हावड़ा बोल के एंड नेक्स्ट स्टॉप अपना डायरेक्ट कालका। में AC 2 टायर में इस तरह का एक लाइट आपको मिलेगी, पर्सनल लाइट, और मैं अभी साइड अपर में हूँ। तो साइड अपर में आप देख सकते हो कि इस तरह में आप जो आपका कर्टन है पूरा ढक सकते हो, तो एक प्राइवेसी टाइप का होता है। और ये जो बेडरोल फैसिलिटी है ये काफ़ी अच्छा है, आप देखो ये तकिया पूरा नया तकिया है। बिकॉज ऐसे आपको अगर याद होगा तो पिछले टाइम पे जो तकिया देते थे इंडियन रेलवे वो काफ़ी छोटा सा होता था और इतना मोटा नहीं होता था। ये कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है शायद, ये नया है इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है। और ये जो ओढ़ने वाला जो कंबल टाइप का दिया है ये भी बहुत अच्छा है। तो अभी खोलते हैं इसको और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये एक टॉवल सा दिया है AC 2 टायर में, टॉवल टाइप का है और इसका साइज़ तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है मुंह पोंछने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है ये आपका बेडशीट, एक बेडशीट है, एक नहीं 2 बेडशीट है भाई, काफ़ी बढ़िया है ये, 2 बेडशीट दिया है नया। अच्छा मैं तो बेडशीट नीचे ओढ़ना ही भूल गया। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कालका मेल। तो अभी मैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जगह पे हूँ जो बहुत ही फेमस है,
पूरी इंडिया में। अभी मैं आ चुका हूँ गुड्डू बबलू का एरिया में। ये है मिर्ज़ापुर, खतरनाक मिर्ज़ापुर। ये अपनी गाड़ी मिर्ज़ापुर छोड़ के जा रही है, आप देख ही सकते हो मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद आने से पहले आपको यमुना रिवर क्रॉस करना पड़ेगा ट्रेन से, जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है जब आप ट्रेन से जाओगे। तो यही है यमुना जो संगम है, जहाँ पे जब यहाँ पे पूजा होता है तो यहाँ पे करीब करीब 10 लाख के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे गंगा यमुना जो स्नान करते हैं, उसके बाद यहीं से पूजा होती है। तो आप भी मेरे साथ यमुना दर्शन कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ट्रेन के अंदर से आप देखोगे। कालका मेल में या फिर ईस्टर्न रेलवे की किसी भी ट्रेन से अगर आप जर्नी करोगे तो आपको इस तरह का खाना मिलेगा उनके पैंट्री कार्ट से अगर ऑर्डर करोगे। ये एक चिकन मील है, चिकन मील में आपको यहाँ पे दाल चावल, एक सब्ज़ी, और वहाँ पे 2 पीस चिकन और यहाँ पे 2 पराठा, और ये कर्ड है, मैं ये लास्ट में खोलूँगा। इसको छोड़ के आप वेज मील ले सकते हो, वेज मील में सेम चीज़ रहेगा लेकिन यहाँ पे आलू भजा रहता है या फिर आलू की कोई दूसरी सब्जी रहता है, और अगर आप अंडा लोगे तो यहाँ पे चिकन की जगह 2 पीस अंडा रहेगा। बाकी ये ऑल ओवर मील सही है। वेज थाली का कीमत है 120 रुपीज़, अंडा 130 रुपीज़ एंड चिकन 150 रुपीज़ का प्राइस है। तो मैं फ़िलहाल तो दाल चावल ट्राई किया और थोड़ा सा सब्ज़ी, तो अच्छा है खाना, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। पहले पहले हम जो सोचते थे कि खाना इंडियन रेलवे का बहुत ख़राब होता है, उतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ उतना भी अच्छा नहीं है, घर वाला नहीं है। चिकन थोड़ा ऑयली लग तो रहा है, ओवरऑल दिस इज़ गुड फूड। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रही है अराउंड सुबह के 3:30 बजे एंड मैं पहुँच चुका हूँ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ सुन के आपको ये लगेगा शायद कि हम लोग अपनी हिमाचल की जो ट्रिप है वो चंडीगढ़ से स्टार्ट करेंगे, जो सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। हम लोग ये ट्रिप स्टार्ट करेंगे कालका से, बिकॉज़ ये ट्रेन एक्चुअली चंडीगढ़ को अगर राइट टाइम में आती तो रात को 1:30 बजे या 2 बजे तक आती, तो वो हमारे लिए बहुत ही मॉर्निंग, बहुत ही रात, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इसलिए वी डिसाइडेड टू स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम कालका स्टेशन। पॉइंट नंबर 2 है हमारी कि अगर आप ये ट्रिप कालका से स्टार्ट करते हो तो रामपुर या फिर काजा हिमाचल की किसी भी जगह पे जाओगे तो थोड़ा बहुत नज़दीक आपको पड़ेगी वो जगह। चंडीगढ़ में ज़्यादातर लोग उतर जाते हैं, इसीलिए रेलवे ने कोच भी बहुत सारे कोच निकाल देते हैं, और 1-2 कोच यहाँ पे कनेक्ट करके फिर चंडीगढ़ से कालका तक चलते हैं। तो यहीं पे वो इंजन के साथ एक जनरल बॉगी का कपलिंग हो रहा है, वही आप देख रहे हो। After a long 30 hours of journey from Howrah to Kalka, we have reached to Kalka. बहुत टाइम लगा कालका पहुँचने में और बहुत गर्मी भी है, लेकिन एक चीज़ देख के ना अभी गूज़बम्स आ रहा है। जो वीडियो ने मुझे मेरी चैनल को आप लोगों की मदद से फर्स्ट 20K व्यूज़ दिलवाई, वही कालका टू शिमला टॉय ट्रेन शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस।